हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे जहां तक इस पर्टिकुलर चैप्टर का सवाल है, मैंने कहा था ऑलमोस्ट आज इसका लास्ट सेशन होगा और तकरीबन हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक ऑलरेडी फिनिश अप कर लिए। 18th क्वेश्चन को करने के बाद 19 और 20 आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब ये जो क्वेश्चन है 21 ऑनवर्ड्स, इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये एग्जामिनेशन में आपके स्ट्राइक कर सकते हैं, करेक्ट? ये ध्यान में रखना। कई बार एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने कहा कि वो केवल फोर फीचर या रीइश्यू से रिलेटेड आएंगे, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और उसके अलावा कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और कल जैसे हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें प्रमोटर्स को हमने शेयर इश्यू करे थे या अंडर राइटिंग कमीशन के रूप में जो शेयर इश्यू करे थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। 21 देखो, ये जो क्वेश्चन है और इस तरह के टॉपिक आपने इससे पहले के लेवल पे करे हुए हैं। तो कभी कभी आपको मालूम है कि कंपनी सामान खरीदती है और जिससे हम सामान खरीदते हैं उनको हम वेंडर्स कहते हैं। अकाउंट्स में बेचने वाले को वेंडर कहा जाता है। इज इट क्लियर टू यू? हमारी कंपनी ने किसी से सामान खरीदा, जिससे सामान खरीदा उसको सप्लायर या वेंडर कहा जाएगा, क्योंकि वो बेचने वाला है, हम खरीदने वाले हैं। तो कई बार कंपनी जब सामान खरीदती है तो उसकी पेमेंट जो है वो शेयर्स के थ्रू करती है। यानी कि अब की बार यहां पर हमने कोई मशीनरी बिल्डिंग वगैरह खरीदी, लेकिन पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो कैश में नहीं कर रहे हैं, वो शेयर्स इशू कर रहे हैं। यानी कि अब की बार कंपनी जब शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा है, कैश के अलावा कुछ और चीज आ रही है। इसीलिए हम इसको ये भी कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि हम शेयर तो इशू कर रहे हैं पर बदले में कंसिडरेशन कैश के रूप में नहीं आ रहा, किसी और एसेट के रूप में आ रहा है। लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टिस्को लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, वो कहता है इस कंपनी ने एसेट्स परचेज करे ऑफ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 99,000। 99,000 की बुक वैल्यू के हमने एसेट्स खरीदे किसी दूसरी फर्म से, तो दूसरी फर्म को क्या कहा जाएगा? सप्लायर फर्म या वेंडर फर्म। क्या कहते हैं इसको? जिससे हम सामान खरीद रहे हैं या जो बेच रहा है उसको बोलते हैं वेंडर या सप्लायर, या सप्लायर। समझ में आ गया? उसको वेंडर या सप्लायर बोलते हैं। आगे कह रहा है इट वॉज एग्री डेट परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कीमत। जो सामान हमने खरीदा उसकी कीमत हमें देनी पड़ेगी। वो कह रहा है कि हमने 99,000 रुपीस का एक एसेट खरीदा, तो 99,000 रुपीस देने के लिए वो क्या कह रहा है? इट वॉज एग्रीड डेट परचेज कंसिडरेशन विल बी पेड बाई इशूइंग शेयर्स ऑफ रुपीस 100 ईच। तो एग्रीमेंट ये हुआ कि हम आपको जो पेमेंट देंगे वो शेयर्स में देंगे। अब कह रहे हैं पास्ट जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट शेयर्स हैव बीन इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अब वो कह रहे हैं कि आप ये एज्यूम करो कि हमने जो ये शेयर्स इश्यू करे हैं वो 10% प्रीमियम पर इश्यू करें, 10% प्रीमियम पर इश्यू करें। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बेसिकली करना क्या होता है? देखो, एक तो हमने जो एसेट खरीदे, सिंपल सी एंट्री हम लिखेंगे। पहले हम एसेट खरीदने की एंट्री लिखेंगे। तो इस केस में उसने सिर्फ यही बोला है हमने एसेट्स खरीदे, तो मेरी पहली एंट्री तो हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट्स को मैं डेबिट कर दूंगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, ये इससे पहले के लेवल पे आपने करे होंगे। 99,000 रुपीस के एसेट्स आपने खरीदे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू, जिससे खरीदा उसको वेंडर या सप्लायर बोलते हैं। टू वेंडर कंपनी, टू वेंडर या सप्लायर अकाउंट। इसका मतलब है कि हमने 99,000 रुपीस के एसेट खरीदे हैं और वेंडर को हमने 99,000 रुपीस की कीमत अभी देनी है, 99,000 रुपीस देने। इस एंट्री का बेसिकली मतलब ये हो गया। अब ध्यान ये रखना है कि वेंडर को आप जब पेमेंट दोगे तो जाहिर है कि वेंडर या सप्लायर को जिससे आपने सामान खरीदा है उसको अब आप शेयर इश्यू करोगे। तो एंट्री नेक्स्ट आपकी होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, सप्लाई वेंडर या सप्लायर अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई एक चीज लिखनी है। अब उनको तो हमने 99,000 रुपीस देने हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपने जो इनको शेयर्स दिए वो प्रीमियम पे दिए हैं। तो जाहिर है कि फिर मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा, अगर मैं कैश में पेमेंट करता तो मैं टू कैश लिखता, कैश की बजाय हम शेयर्स दे रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल, लेकिन हम जो ये शेयर्स दे रहे हैं वो प्रीमियम पे दे रहे हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब पॉइंट ये है कि कितना अमाउंट मैं कैपिटल के आगे लिखूं और कितना प्रीमियम के आगे लिखूं, तो ये कैसे डिटरमिन करना है देखें। यानी कि इस एंट्री को करने के लिए जब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे
तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर रहे हैं उसके लिए तुम्हें अलग से कुछ वर्किंग तो खैर क्या, तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स कंप्यूट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कंप्यूट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखो कि परचेस कंसिडरेशन कितने का है, पीसी परचेस कंसिडरेशन, और फिर ये देखो कि जो शेयर आप इश्यू कर रहे हो उसका इश्यू प्राइस कितना है। इश्यू प्राइस इज ए क्लेरिटी, फॉर एग्जाम्पल इस केस में परचेस कंसिडरेशन 99,000 है, यानी कि 99,000 का अमाउंट हमने पे करना है। एक शेयर की फेस वैल्यू 100 है, लेकिन शेयर जो हम इश्यू कर रहे हैं वो 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 10% ऑफ 100 इज 10, इसका मतलब इश्यू प्राइस 110 है। अब मैं 99,000 रुपीज को 110 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, मुझे पहले ये मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको करूंगा तो ये 9,000 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी जो कंपनी है वो 9,000 शेयर इशू करेगी 100 रुपए वाले, लेकिन एट प्रीमियम पे। तो मैं शेयर कैपिटल के आगे क्या लिखूंगा, 9,000 × 100। शेयर कैपिटल हमेशा अपनी फेस वैल्यू से आता है, तो 9,000 नहीं, ये 900 आएगा, सॉरी क्योंकि ये 110 है, मैंने 11 से डिवाइड कर दिया, ये 900 आ जाएगा। कोई बात नहीं, पॉइंट ये है कि हमें समझना है। तो 900 शेयर्स आ गया, तो अब मैं शेयर कैपिटल के आगे कितना अमाउंट लिखूंगा, डेट इज इक्वल टू 900 × 100। तो इसका मतलब याद रखे, कैपिटल के आगे जब भी हम लिखते हैं हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं। तो 900 शेयर इशू करने पड़े हमें 100 रुपए वाले, लेकिन ये शेयर जो है हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा, 900 है, और प्रीमियम एक शेयर पे 10 रुपए है, तो 9,000 ये आ जाएगा। इस तरह आपकी 99,000 की पेमेंट हो जाएगी। बात समझ में आ गई। पहली एंट्री की नरेशन होगी फॉर परचेज ऑफ एसेट, और दूसरी एंट्री की नरेशन होगी डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, वैसे मैंने नीचे करा भी हुआ है, आप यहां भी देख सकते हैं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 99,000 टू वेंडर कंपनी अकाउंट या सप्लायर कंपनी अकाउंट, परचेज ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड। उसके अलावा हमने वेंडर को पे करना है, वेंडर को हमने क्रेडिट 99 से करा तो 99 से डेबिट करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000, और इसकी कैलकुलेशन मैंने यहां करके बताई है कि 99,000 को हमने 100 से डिवाइड करा तो हमें पता लग गया कि 900 शेयर हमें इश्यू करने पड़ रहे हैं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और इसको मैंने यहां पर लिखा है डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। इज इट क्लियर टू यू, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से करा जा सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं, Wilkins Limited purchased a building for ₹6,60,000 from Kelvins Limited, जिससे हमने सामान खरीदा Kelvins Limited, अब की बार उस कंपनी का नाम दिया है, वैसे उसको हम वेंडर कहते हैं, करेक्ट। तो 6,60,000 का सामान खरीदा गया है, लेकिन अब की बार क्या कह रहा है, हाफ द पेमेंट वॉज मेड इन कैश। अब 6,60,000 रुपए का सामान खरीदा गया था, लेकिन डिसाइड ये हुआ कि 6,60,000 में से आधी पेमेंट यानी कि 3,30,000 की पेमेंट तो कैश में होगी, 3,30,000 की पेमेंट कैश में होगी। अभी भी रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग परचेज कंसिडरेशन कितना है, 3,30,000 का है। रिमेनिंग कह रहे हैं कि हाफ द पेमेंट वॉज मेड इन कैश, और फिर कह रहे हैं एंड फॉर द रिमेनिंग हाफ इश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% इन फेवर ऑफ Kelvins Limited। तो सिंपल वर्ड्स में वो कह रहे हैं जो बची हुई रिमेनिंग पेमेंट है उसके लिए हमने जो शेयर्स इश्यू करे हैं, 100 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम पे करा है, इसका मतलब 100 रुपए वाला शेयर 110 के हिसाब से बाहर गया है। तो अब की बार 3,30,000 रुपए तो तुम कैश में पे करोगे, अब जो बची हुई पेमेंट है वो तुम शेयर्स में पे करोगे, तो उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा तुम कितने शेयर्स इश्यू करोगे। तो 3,30,000 को तुम्हें 110 से डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि ये रिमेनिंग परचेस कंसिडरेशन है और इश्यू प्राइस 110 है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो पेमेंट तुम शेयर्स में करोगे पहले तो देखो कितनी पेमेंट करनी है और उसको इश्यू रेट से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें पता लग गया कि इस केस में 3,000 शेयर्स तुम्हें इश्यू करने पड़ेंगे रिमेनिंग पेमेंट करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन नॉट, 3,000 शेयर जो तुम इशू करोगे उसकी जो फेस वैल्यू होगी इंटू 100 के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 3,00,000, और उस पर प्रीमियम हो जाएगा 30,000, 10 रुपए के हिसाब से प्रीमियम कितना हो जाएगा, 30,000 का पेमेंट हो जाएगा। तो इस केस में मैं जब एंट्री लिखूंगा तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, पहले तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमने बिल्डिंग खरीदी है 6,60,000 में।
जिसको हमने पेमेंट अभी करनी है उसको हम वेंडर भी बोल सकते हैं, पर अब की बार नाम दिया है तो इसलिए मैंने टू केल्विन अकाउंट लिख दिया 6,60,000। इसका मतलब है हमने बिल्डिंग परचेज करी है और इतनी पेमेंट अभी देनी है। अब वेंडर को यानी कि केल्विन्स लिमिटेड को 6,60,000 रुपीज की पेमेंट हमने करनी है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि आधी पेमेंट तो हमने कैश में करी, तो टू बैंक 3,30,000, आधी पेमेंट तो कैश में हो गई। अब जो बची हुई पेमेंट है हमने कंप्यूट कर लिया, जो बची हुई पेमेंट थी वो 3,30,000 की थी, 110 के हिसाब से शेयर इशू करे जा रहे हैं, तो इसका मतलब 3,000 शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,00,000, दैट इज 3,000 शेयर ऑफ 100 ईच। और फिर मैं लिखूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000, 3,000 शेयर और एक शेयर पे प्रीमियम होगा 10 रुपए का। और ये मैंने कैलकुलेशन करके बताई हुई है ये 3,000 शेयर कैसे आए, 3,30,000 डिवाइडेड बाई 110। इज इट क्लियर टू यू? तो ये कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपने इससे पहले करे हुए हैं। करेक्ट, मैंने कहा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, तो क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 इसको हम कह सकते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि कंसिडरेशन की क्या हमारे पास आ रहा है। अब की बार हम शेयर इश्यू कर रहे हैं लेकिन कैश हमारे पास नहीं आ रहा। फॉर इश्यू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी कि शेयर्स जो इश्यू करे जा रहे हैं उसके बदले में कैश नहीं आ रहा बल्कि कुछ और चीजें आ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह 23 में कहता है बॉग लिमिटेड परचेस्ड एसेट्स फ्रॉम मैकेंड्रो लिमिटेड फॉर रुपीज 3,50,000। पहले तो हमने एसेट्स खरीदे 3,50,000 के, तो एंट्री लिख दी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू मैकेंड्रो लिमिटेड, क्योंकि जिससे हमने खरीदा उसका नाम दिया तो सीधा नाम भी लिख सकते हो, तो परचेज ऑफ एसेट रिकॉर्डेड 3,50,000। फिर कहता है ए सम ऑफ 75,000 वॉज पेड बाय मीन्स ऑफ ए बैंक ओवरड्राफ्ट। 3,50,000 में से, करेक्ट, 3,50,000 में से कह रहा है कि आपने 75,000 की जो पेमेंट है, 75,000 की जो पेमेंट है वो आपने कैसे कर दी? 75,000 की पेमेंट तो आपने कैश में कर दी, उसके लिए आपने बैंक ड्राफ्ट दिया यानी कि बैंक के थ्रू ये पेमेंट हो गई। और अभी भी इसका मतलब 2,25,000 की पेमेंट मुझे करनी है। 2,25,000 इतना ही बचेगा ना, 350 में से अगर हम नहीं, थोड़ा ज्यादा अमाउंट बचेगा, 350 था, 275 अभी भी 275 रुपीस बचे हुए हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमने पे करना है बाय वे ऑफ शेयर्स। और वो कहता है जो रिमेनिंग अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट ड्यू वॉज इश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अब की बार जो शेयर्स इश्यू करे जा रहे हैं, 10 रुपए वाला शेयर जो इश्यू करा जा रहा है वो 10% प्रीमियम पर इश्यू करा जा रहा है। इसका मतलब 11 रुपए के हिसाब से शेयर इश्यू हो रहा है। देखो फेस वैल्यू 10 है, उसका मैं 10% निकालूं तो 1 रुपया आएगा, तो इसका मतलब इश्यू प्राइस 11 है। 2,75,000 को मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे 25,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो रिमेनिंग परचेस कंसिडरेशन है, ये वाला अमाउंट तो हमने पे कर दिया बैंक के थ्रू, जो रिमेनिंग बचा वो 2,75,000 का बचा। अब 2,75,000 की जो पेमेंट है उसके लिए आप शेयर्स इशू करेंगे 11 रुपए के हिसाब से आप शेयर इशू करेंगे, तो आपको पता लग गया 25,000 शेयर्स आपको इशू करने हैं। तो शेयर कैपिटल के आगे आप लिखोगे 25,000 × 10 = 2,50,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे आप लिख दोगे 25,000 × 1 दैट इज इक्वल टू 25,000। इज इट क्लियर टू यू? तो इसी तरीके से ये एंट्री भी आप कर सकते हो। मैकेंड्रो अकाउंट डेबिट 3,50,000 की पेमेंट मैकेंड्रो को करनी है। टू बैंक, जैसा कि लिखा हुआ है 75,000 रुपए की पेमेंट हमने थ्रू ड्राफ्ट के करी यानी कि बैंक के थ्रू करी। और फिर हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000। ये 250 कैसे आया, 25,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। और फिर मैं लिखूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 25,000, तो 25,000 × 1। और ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हमने 25,000 निकाले इसकी वर्किंग भी मैंने यहां दिखा दी है, 2,75,000 डिवाइडेड बाय 11, 25,000। तो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में तुमने देखा कुछ नहीं होता है।
अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके ये क्वेश्चंस हैं 24 ऑनवर्ड्स। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में ऑफ लेट जो रिसेंट एग्जामिनेशंस हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। अब इसमें हालांकि मुश्किल क्वेश्चन नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, सब टॉपिक आप कवर कर चुके हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चन को करना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ लुक ओवर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है अ कंपनी फोरफीटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक कंपनी है उसने 100 शेयर फोरफीट कर दिए, कैंसिल कर दिए। करेक्ट, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की है। कह रहा है फुल्ली कॉल्ड अप, इसका मतलब जो शेयर है वो 10 रुपए का है और हम पूरा अमाउंट कॉल कर चुके थे, पूरे 10 रुपए बुला चुके थे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज 2। कह रहा है जिस आदमी के शेयर फोरफीट हुए इसलिए हुए कि उसने 2 रुपए वाला अमाउंट पे नहीं करा, 10 में से 2 रुपए की कॉल उसने पे नहीं करी होगी, इसलिए हमने उसके शेयर फोरफीट कर दिए। वो सिर्फ हार्डली 2 मार्क का क्वेश्चन है। गिव जनरल एंट्री फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन में सिर्फ फोरफीचर की एंट्री आपको करनी है। अब कई बार मैं आपको बता चुका हूं और इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जब भी फोरफीचर की एंट्री करेंगे पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिफॉल्टिंग शेयर को हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कितना अमाउंट हम बुला चुके हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 रुपए का शेयर है और फुल्ली कॉल्ड अप, पूरे 10 रुपए हम बुला चुके हैं, तो 1000। फिर उसके अलावा हम शेयर फोरफीटेड में ये देखते हैं कि उसने कितना पे कर दिया, या तुम शेयर फोरफीटेड को बैलेंसिंग फिगर के रूप में लिख सकते हो। पहले ये देख लो उसने क्या पे नहीं करा, तो मैंने यहां लिखा 2 अनपेड कॉल्स। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसने 2 रुपए वाली कॉल पे नहीं करी, 100 × 2, तो इसका मतलब 200 पे नहीं करे, तो इसका मतलब उसने 8 के हिसाब से अमाउंट पे कर दिया होगा। 100 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से उसने पे कर दिया, जो वो पे कर देता है उसको हम शेयर फोरफीटेड अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ फोरफीचर की एंट्री पूछी है तो यही एंट्री आपकी होगी, बीइंग शेयर फोरफीटेड। चाहो तो ये भी लिख सकते हो बीइंग शेयर्स फोरफीटेड एज पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन, करेक्ट, BOD's रेजोल्यूशन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 है, मैंने कहा ना रिसेंट एग्जामिनेशंस को आप देखें तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में ऑफ लेट आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अ कंपनी फोरफीटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ध्यान से देखो, शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपए की है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए की है। क्या हमने ये पूरे 10 रुपए बुला लिए? क्वेश्चन में कह रहे हैं ₹8 कॉल्ड अप, इसका मतलब अब की बार कंपनी ने 10 में से सिर्फ 8 रुपए बुलाए थे। जब शेयर फोरफीट हुए हैं तो उस वक्त तक अभी हमने 8 रुपए बुलाए हैं। अब कह रहा है उसके शेयर हमने फोरफीट करे इसलिए क्योंकि उसने 2 रुपए का अमाउंट पे नहीं करा। 8 रुपए बुलाए हैं, 2 रुपए पे नहीं करे, तो इसका मतलब 6 रुपए उसने पे कर दिए। तो अब इसी तरह से इसमें भी फोरफीचर की एंट्री करनी है, और एंट्री तुम कर सकते हो। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, पहले तो हमें यह लिखना होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर 100 है, कितना अमाउंट अभी तक हमने बुलाया है उससे मल्टीप्लाइड करा जाता है। ये नहीं कि 10 रुपए का शेयर है आप 10 से मल्टीप्लाइड कर दो, कंपनी ने अभी तक 8 रुपए बुलाए हैं तो 8 से आप मल्टीप्लाइड करोगे, 800 आपको लिखना होगा। शेयर फोरफीटेड अकाउंट में आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे 100 शेयर्स हैं और उसने 100 के हिसाब 100 शेयर पे 6 रुपए पे कर दिए जो कि हमने बताया, तो 600 आएगा, या बैलेंसिंग फिगर आप ले लेना, वो आपकी मर्जी है। अनपेड कॉल्स, उसने 2 रुपए के हिसाब से कॉल पे नहीं करी, तो इस तरह 600 रुपए फोरफीटेड में आएंगे। इसमें भी फोरफीचर की एंट्री करनी थी। अब 26 में कहता है कि एरोप्लेन लिमिटेड फोरफीटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कह रहा है क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि कंपनी ने 200 शेयर फोरफीट करे 10 रुपए वाले। अब लिखा नहीं है कितना अमाउंट कॉल्ड अप करा है, तो मान के ये चलना कि कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपए हो चुका है। जब लिखा नहीं होता है कि कितना कॉल करा है, तो हमेशा ये मान के चलना है जो फेस वैल्यू है वो सारी की सारी कॉल करी जा चुकी है। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब पूरे 10 रुपए कॉल करे जा चुके हैं। क्यों फोरफीट करे हमने? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2। तो वो कह रहा है 10 में से 2 रुपए पे नहीं हुए, 10 में से 2 रुपए पे नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब 8 रुपए उसने पे कर दिए थे और इस आदमी के शेयर हमने फोरफीट कर दिए। फिर कह रहा है लेटर ऑन दीज शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹500। बाद में कहते हैं कि इन शेयर्स को हमने ₹500 में रीइश्यू भी कर दिया। हमने रीइश्यू करा और ₹500 हमें मिले रीइश्यू कर करके। तो पहले तो आप एंट्री क्या लिखेंगे? फोरफीचर की एंट्री लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 200 हैं। पूरे 10 रुपए कॉल कर चुके हैं, तो पहली एंट्री आपकी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
200 इंटू 10 डेट इज इक्वल टू 2000। ये मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे लिखा है, कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। शेयर फोरफीटेड अकाउंट में आप बैलेंसिंग फिगर ले लो, या उसने 8 रुपए के हिसाब से पे करा है तो 200 इंटू 8 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, करेक्ट 1600। और जो उसने पे नहीं करा, टू अनपेड कॉल्स, डेट इज 200 इंटू 2 400। समझ में आ गया। अब वो कह रहे हैं कि इन शेयर को, इन यानी कि सारे के सारे शेयर आपने रीइश्यू कर दिए, तो जब रीइश्यू करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 500। कह रहे हमने शेयर 500 रुपए में रीइश्यू करे हैं, और जो शेयर हैं उनकी वैल्यू कितनी है? भाई ये 200 शेयर 10 रुपए वाले हैं ना, तो 2000 रुपए के शेयर बाहर जा रहे हैं और आपको मिल रहे हैं 500, तो इसका मतलब डिस्काउंट आपने कितना दे दिया? डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, रीइश्यू करते वक्त आपने डिस्काउंट कितना दिया? इसका मतलब 1500 का दिया। ये डिस्काउंट कहां से देते हैं? शेयर फोरफीटेड अकाउंट से देते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो शेयर फोरफीटेड अकाउंट में आपने देखा कि आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने फोरफीट करें, 200 शेयर फोरफीट करें। अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि 200 फोरफीटेड शेयर हैं, और शेयर फोरफीटेड अकाउंट में, शेयर फोरफीटेड अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 200 शेयर पे क्रेडिट बैलेंस 1600 है, और 200 शेयर पे शेयर फोरफीटेड अकाउंट में डेबिट बैलेंस 1500 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या माना जाएगा? कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब शेयर फोरफीटेड अकाउंट में रीइश्यू करने के बाद अभी 100 रुपए का बैलेंस बच गया है, जो बैलेंस बच गया है उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ले जाना होता है, आपको मालूम ही है। तो अगली एंट्री होगी शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 100। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे को एग्जामिनेशन में आ रहे हैं ऑफ लेट। इसी तरह उसने लिखा संडे एक्सप्रेस लिमिटेड, ये नाम है कंपनी का, फोरफीटेड 200 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो अब की बार भी 200 शेयर फोरफीट करे हैं 10 रुपए वाले, और फिर से उसने लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज 2, क्यों 2 रुपए का अमाउंट जो है पे नहीं हुआ है, तो इसका मतलब 8 रुपए पे हो गए। अब की बार कह रहा है कि हमने 200 में पूरे 200 शेयर रीइश्यू नहीं करे, 150 शेयर हमने रीइश्यू करे एट द रेट ऑफ रुपीज 7 पर शेयर। वो कह रहा है गिव जनरल एंट्री फॉर फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर्स। मुझे बताओ इस केस में आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, आपने बताना है कि क्या एंट्री आपकी होनी चाहिए। कितने शेयर हमने फोरफीट करें पहले तो मुझे ये बताओ, कितने शेयर फोरफीट करें? 200। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। कितना अमाउंट अभी तक हम बुला चुके हैं पहले तो ये बताओ। सर जाहिर है कि हम पूरे 10 रुपए बुला चुके हैं। कैसे पता लगा पूरे 10 रुपए बुला चुके हैं? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि कितना कॉल करा है। अभी मैंने तुमसे कहा था जब क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता कि कितना अमाउंट अभी तक हमने बुलाया है, तो मान के चलना जो शेयर की फेस वैल्यू है वो सारा का सारा अमाउंट हमने बुला लिया है। उसके शेयर फोरफीट क्यों हुए हैं? उसके शेयर फोरफीट इसलिए हुए हैं क्योंकि उसने जो है 2 रुपए की कॉल पे नहीं करी। इसका मतलब 10 रुपए में से 2 पे नहीं करे तो उसने 8 रुपए पे कर दिए। तो इसका मतलब पहली एंट्री आपकी क्या होगी मुझे ये बताएं जरा जल्दी से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जस्ट मैं थोड़ा सा स्पेस अपने लिए क्रिएट कर लूं। हां जी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। नंबर ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर कितने हैं? सर 200 शेयर है, और हम 10 रुपए बुला चुके हैं, तो इसका मतलब मैं 2000 रुपए से इसको पहले तो डेबिट करूंगा। फिर मैं यहां पर लिखूंगा टू शेयर फोरफीटेड। शेयर फोरफीटेड में तुम बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो, कभी भी कंफ्यूजन हो जाए, नहीं तो फिर 200 इंटू 8 क्वेश्चन में दिया ही है कि उसने 2 रुपए पे नहीं करे तो इसका मतलब 8 रुपए उसने पे कर दिए होंगे, 200 इंटू 8। और टू अनपेड कॉल्स, 2 रुपए के हिसाब से उसने अमाउंट पे नहीं करा था तो 2 अनपेड कॉल्स आपको लिखना पड़ेगा। 2 अनपेड कॉल्स आपने लिख दिया, डेट इज इक्वल टू 200 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब उसने क्या कहा कि हमने अब की बार पूरे 200 शेयर रीइश्यू नहीं करे, 150 शेयर रीइश्यू करे 7 रुपए के हिसाब से। तो जब मैं रीइश्यू की एंट्री करूंगा तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हमने रीइश्यू करे? 200 में से हमने केवल 150 शेयर रीइश्यू करे। किस रेट के हिसाब से करे? हमने 7 रुपए के हिसाब से, यानी कि जिसको भी शेयर हमने इश्यू करे, ये 10 रुपए वाले शेयर, उसको हमने कहा भाई आप 7 रुपए पे कर दो, करेक्ट।
और 3 रुपए का हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 1050 आ जाएगा मेरे ख्याल से। और शेयर फोरफीटेड अकाउंट, या शेयर फोरफीटेड का मतलब जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं रीइश्यू के टाइम पर, तो 3 रुपए के हिसाब से हमने डिस्काउंट दिया, 150 × 3 कितना हो गया, डेट इज इक्वल टू 450 हो गया। इज इट क्लियर टू यू? फिर मैं यहां पर लिखूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब टू शेयर कैपिटल जब हम लिखेंगे तो शेयर कैपिटल के आगे 150 × 10 हमें लिखना पड़ेगा, डेट इज इक्वल टू 1500। क्वेश्चन सॉल्व मैंने करा हुआ है वैसे, तुम यहां पर मैं किसी कारण से आपको बता रहा हूं। अब जाहिर है कि अब की बार जब मैं कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करूंगा तो मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि ये जो 1600 का क्रेडिट बैलेंस है ये कितने शेयर पर है, 200 पे, और जबकि शेयर फोरफीटेड अकाउंट में जो ये बैलेंस है 450 ये कितने शेयर पर है, ये 150 शेयर पर है। तो कहीं रफ में पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि शेयर फोरफीटेड अकाउंट में जो ये क्रेडिट बैलेंस 200 शेयर पर है ये 150 शेयर पे कितना होगा, वो तुम डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकते हो। देखो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, शेयर फोरफीटेड बैलेंस 200 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से 1600 है, तो खुद ही सोचो कि 150 शेयर पे ये कितना बैलेंस होगा, 150 × 8 कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि शेयर फोरफीटेड का क्रेडिट बैलेंस 150 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से अगर हम करेंगे तो वो इतना होगा, डेट इज इक्वल टू 1200। चेक कर लेना। तो अब हम कह सकते हैं कि जो शेयर हमने रीइश्यू करे हैं, जो कि 150 शेयर रीइश्यू करे हैं, शेयर फोरफीटेड अकाउंट में डेबिट बैलेंस इतना है, लेकिन 150 शेयर का शेयर फोरफीटेड अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस जो है वो 1200 है। तो इसलिए जब मैं कैपिटल रिजर्व की एंट्री करूंगा तो कैपिटल रिजर्व में जब मैं अमाउंट ट्रांसफर करूंगा तो एंट्री होगी शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री तो ये होती है। तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, 150 शेयर पे क्रेडिट बैलेंस शेयर फोरफीटेड अकाउंट में 1200 माना जाएगा, और डेबिट बैलेंस जो है वो 450 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 750 रुपए, वो तुमने कहां ले जाना है, कैपिटल रिजर्व में ले जाना है। बात समझ में आ गई? हाँ, अगर मैंने पूरे 200 शेयर रीइश्यू करे होते फिर तो मैं डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस देख सकता था, लेकिन अब की बात जितने शेयर फोरफीट हुए हैं उसमें से कम शेयर हमने रीइश्यू करे हैं, तो इसलिए तुम कहीं अलग से कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये जो क्रेडिट बैलेंस है 150 शेयर, 150 शेयर का मतलब जितने शेयर आपने रीइश्यू करें उतने पर कितना होगा। क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा हुआ है। तो उसके बाद फिर 28 को देखो, 28 में कह रहा है संडे लिमिटेड फोरफीटेड 300 शेयर, कह रहा है संडे लिमिटेड ने 300 शेयर जो है फोरफीट कर दिए 10 रुपए वाले। अब कह रहा है ₹9 बीइंग कॉल्ड अप। देखो अब की बार क्या लिखा हुआ है कि तुमने जो शेयर फोरफीट करे हैं 300 शेयर तो करे हैं, लेकिन ये जो 300 शेयर करे हैं उनकी फेस वैल्यू तो निश्चित रूप से 10 रुपए की है। फेस वैल्यू तो 10 रुपए की है, शायद ये स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, अब आ रहा है। 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन तुमने अब की बार जो अमाउंट कॉल करा हुआ है, अब की बार क्वेश्चन में लिखा है कि आपने अभी तक 9 रुपए बुलाए हैं, ये लिखा हुआ है 9 बीइंग कॉल्ड अप। उसके शेयर क्यों फोरफीट हो रहे हैं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 3, यानी कि 9 में से उसने 3 रुपए पे नहीं करे हैं, तो इसका मतलब उसने 6 रुपए पे कर दिए। इज इट क्लियर टू यू? 3 रुपए उसने पे नहीं करे, 6 रुपए उसने पे कर दिए। ये तो पहली एंट्री में यूज हो जाएगा, जब मैं पहली एंट्री करूंगा तो मेरी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 नंबर ऑफ शेयर है इंटू कॉल्ड अप अमाउंट 9, 9 रुपए के हिसाब से अभी तक हमने बुलाया है, तो 300 × 9 2700। फिर उसके बाद हम लिखेंगे टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि 300 शेयर हैं और 300 शेयर पे उसने 6 रुपए के हिसाब से पे करा, तो आप डायरेक्टली 300 × 6 1800 लिख सकते हो, नहीं तो बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो। और उसने जो कॉल पे नहीं करी है 300 रुपए के हिसाब से, 300 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से उसने 900 रुपए पे नहीं करे, तो इस तरह पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीटेड टू अनपेड कॉल्स। पहली एंट्री तो हमारी फिनिश अप हो गई। अब वो कह रहा है लेटर ऑन 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर। अब वो कह रहा है बाद में कि हमने 300 शेयर जो फोरफीट करे थे उसमें से 200 शेयर हमने रीइश्यू करे हैं,
अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि 200 शेयर जो हमने रीइश्यू करें वो 8 रुपए के हिसाब से करें, तो बहुत से बच्चों को क्या लगता है कि जब हम रीइश्यू कर रहे हैं तो शायद डिस्काउंट 1 रुपए है। नहीं, जब हम शेयर रीइश्यू करते हैं, जिसको भी रीइश्यू करेंगे हम उसको ये बोलेंगे भाई ये 10 रुपए का शेयर है, जो शेयर की फेस वैल्यू है, इस हिसाब से देखना है उसको। हम ये बोलेंगे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, आपको 8 रुपए के हिसाब से हम इश्यू कर रहे हैं, तो इसलिए 2 रुपए का डिस्काउंट है। इज इट क्लियर टू यू? ये बात का ध्यान रखना। तो बैंक अकाउंट के आगे आप क्या लिख देंगे, बैंक जब रीइश्यू करेंगे तो 200 × 8 आपको पैसा मिलेगा 1600। फिर शेयर फॉरफिटेड में लिखेंगे 200 × 2 400 और शेयर कैपिटल के आगे 200 × 100 2000। अब इस क्वेश्चन में मुझे कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करना है। हम देख चुके हैं कि जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अलग से तुम कई नोट्स बना करके ऐसे दिखा सकते हो, शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट बैलेंस। अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस है, जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर, देखो पहले 300 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से कितना बैलेंस है, 1800 रुपए का बैलेंस है। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि पहले तो हम शेयर जो रीइश्यू कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं। अगर मैं 300 शेयर ही रीइश्यू करता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमने जो शेयर रीइश्यू करे हैं वो 300 नहीं करे, 200 करे हैं। तो मुझे जो ये क्रेडिट बैलेंस है उसको 200 शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 200 शेयर पे क्रेडिट बैलेंस कितना होगा वो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो, 200 × 6। अब तुम्हें ये पता लग गया कि 200 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस 1200 का है। अब तुम इसमें से माइनस कर दो डेबिट बैलेंस, लेस शेयर फॉरफिटेड डेबिट बैलेंस, क्योंकि शेयर फॉरफिटेड का जो डेबिट बैलेंस है वो 200 शेयर्स पर है। देखो 200 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से डेबिट बैलेंस 400 रुपए है, तो 1200 में से 400 माइनस करेंगे तो मुझे पता लग गया कि कैपिटल रिजर्व 800 रुपए का होगा, तो 800 रुपए का कैपिटल रिजर्व आप यहां पर लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू? और वैसे ये जो मैंने वर्किंग करी है, यहां मैंने बताया भी है कि 300 शेयर पे क्रेडिट बैलेंस 1800 है, तो 200 शेयर पे क्रेडिट बैलेंस 1200 होगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है, करेक्ट। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखें। क्वेश्चन नंबर 29 में वो क्या कहता है कि फ्राइडे लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसने 150 शेयर्स फॉरफिट करे हैं। फ्राइडे लिमिटेड फॉरफिटेड 150 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5। पहले तो आपको इस क्वेश्चन में ये समझना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 150, फेस वैल्यू कितनी है। अब की बार फेस वैल्यू जो है वो 20 रुपए की है, फेस वैल्यू 20 रुपए की है। वो कह रहा है ये जो शेयर हमने इश्यू करे हुए हैं 5 रुपए प्रीमियम पर करे हुए हैं, ये शेयर जो हमने इश्यू करे हुए हैं 5 रुपए प्रीमियम पे इश्यू करे हैं, तो इसका मतलब इश्यू प्राइस 25 रुपए। अब वो कह रहा है ये शेयर हमने क्यों फॉरफिट करे, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹7। तो ये जो शेयर हमने फॉरफिट करे हैं वो ये कह रहा है कि जिस उसने 7 रुपए का अमाउंट पे नहीं करा था, 7 रुपीज का अमाउंट उसने पे नहीं करा है, इसलिए हमने ये शेयर जो है फॉरफिट कर दी है। बाद में कह रहा है कि इन शेयर में से हमने 100 शेयर जो है वो रीइश्यू करे एट द रेट ऑफ 21। अच्छा जी, अब कह रहा है गिव एंट्री फॉर फॉरफिटर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो वो कह रहा है अच्छा पहले तो जो रीइश्यू करा गया है 100 शेयर्स रीइश्यू करे गए हैं, और अब की बार जो ये शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, नॉर्मली जब हम शेयर को फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू करते हैं तो कुछ डिस्काउंट उसमें देते हैं, लेकिन अब की मर्तबा उसने यहां क्या बयान दिया है, वो कह रहा है कि जब हमने इन शेयर को रीइश्यू करा तो हमने 21 रुपए के हिसाब से करा है, 20 रुपए का शेयर 21 रुपए के, यानी कि रीइश्यू जो हुआ है उसमें डिस्काउंट तो छोड़ो हमने प्रीमियम पर रीइश्यू करा है, ऐसा एंटिटी कर सकती है। अच्छा अब इस क्वेश्चन में बताओ जरा, अब मैं जितना पूछूं मैंने जानबूझ के यहां पर कुछ चीज आपको नहीं बताई है, मैं आपको जरा टेस्ट करना चाहता हूं। बताओ अगर मैं पहली एंट्री लिखूंगा तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं ये मैंने बताया, और ये मैं पूछ नहीं रहा। मैंने मेन चीज आपको बताई थी जब हम फॉरफिटर की एंट्री करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, जाहिर है नंबर ऑफ शेयर्स तो 150 हैं, एक तो मैंने ये कहा था, फिर मैंने कहा था उसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉल्ड अप अमाउंट से, लेकिन ये कॉल्ड अप अमाउंट जो होता है ये हमेशा फेस रेट के हिसाब से देखना पड़ेगा,
क्योंकि हम वर्ड कैपिटल के आगे लिख रहे हैं, तो कैपिटल के आगे हमें फेस रेट देखना पड़ता है। तो फेस रेट शेयर का 20 रुपए है और इश्यू रेट 25 है। बिकॉज मैं कैपिटल के आगे लिख रहा हूं तो मैं फेस रेट 20 को कंसिडर करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट? उसने कहा फ्राइडे लिमिटेड ने 150 शेयर जो है फोर फीट कर दिए 20 रुपए वाले। क्वेश्चन में ये नहीं दिया हमने कितना अमाउंट बुलाया है, तो हम ये मान के चलेंगे पूरे हमने 25 रुपए बुला लिए थे, 20 रुपए फेस वैल्यू के, 5 रुपए प्रीमियम के। लेकिन कैपिटल के आगे हमेशा फेस रेट लिखा जाता है, इसलिए 20 से यहां पर मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू यू? 3000 क्या बोला मैंने, शेयर कैपिटल के आगे जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट हमने बुलाया है वो फेस जो मैं आपको बताते इससे पहले के जो क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था फेस रेट, उनका जो टोटल होगा वो फेस रेट यहां पर लिखना होता है। तो यहां तो हमने पूरे 20 रुपए शेयर की जो फेस वैल्यू है बुला ली है। अच्छा जी, उसके बाद बिकॉज इस क्वेश्चन में प्रीमियम तो है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने आपको बोला था फोर फीचर की एंट्री में तब डेबिट करते हैं जब प्रीमियम नहीं मिला होता है। तो इस क्वेश्चन में शेयर प्रीमियम के आगे मैं कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि उसने कॉल पे नहीं करी। लिखा है ना क्वेश्चन में कि उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल 7 रुपए वाली पे नहीं करी, जो सेकंड कॉल है वही फाइनल कॉल है, तो 7 रुपए वाली उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी है। इसका मतलब उसने अलॉटमेंट पे कर दिया है, तो अलॉटमेंट पे कर दिया है तो इसका मतलब उसने प्रीमियम पे कर दिया है। तो प्रीमियम अगर पे हो चुका है तो फिर प्रीमियम एंट्री में नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, अब ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें यह प्रॉब्लम हो सकती है कि उसने कितना पे कर दिया। तो बेस्ट तरीका क्या है, जब जहां भी तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए पहले तो ये लिख दो अनपेड कॉल्स कितनी है। अनपेड कॉल हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा 150 × 7 के हिसाब से 1050। अब 3000 यहां तुमने डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में 1050 लिखा है, तो इसका मतलब 1950 उसने पे कर दिया है। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है, अब मैं ये कह सकता हूं कि जो क्रेडिट बैलेंस है 150 शेयर पे इतना है। शेयर फोरफीटेड अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 150 शेयर पे 1950 का क्रेडिट बैलेंस है। ये जो 1950 है क्योंकि सारी एंट्री 150 शेयर से हुई है, तो 150 शेयर पे क्रेडिट बैलेंस इतना है। अच्छा जी, एक तो ये पॉइंट इसमें था। दूसरा, अब हमने इन शेयर को रीइशू करा और अब की बार जब हमने रीइशू करा तो 100 शेयर जो इशू करे 20 रुपए वाले शेयर, फेस वैल्यू 20 रुपए। देखो जब भी रीइशू करेंगे ना तो हमेशा फेस वैल्यू देखनी है, ये मत सोचना कि 25 रुपए का शेयर 21 के हिसाब से इशू करा है। 25 रुपए के हिसाब से तो आपने मार्केट में इशू करा था ना, अब तो आप पर्टिकुलरली इशू कर रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं, तो जिसको भी रीइशू कर रहे हैं शेयर यही माना जाएगा कि आपने 20 रुपए वाला शेयर इशू करा, लेकिन 21 रुपए के हिसाब से आपकी बार क्वेश्चन में लिखा है हमने इशू करा। तो 100 शेयर्स इंटू 21 2100, इसका मतलब अब की बार जब मैंने रीइशू करा तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया, कोई डिस्काउंट हमने नहीं दिया, करेक्ट। 2 शेयर कैपिटल में लिखूंगा तो 100 शेयर 20 रुपीज के हिसाब से बाहर चले गए 2000, और इसका मतलब अब की बार जब मैंने शेयर को रीइशू करा तो उनको भी प्रीमियम पे करा, तो इसका मतलब शेयर फोरफिटेड अकाउंट में डेबिट बैलेंस अब की बार 0 है। तो बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे कि हमारा शेयर फोरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस इतना है, बहुत से बच्चे सोचेंगे क्रेडिट बैलेंस 1950 है तो इसी को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना चाहिए। नहीं, आप पहले तो ये देखो, ये तो फोरफिटेड शेयर हैं, आपने कितने शेयर रीइशू करे, रीइशू तो आपने 100 शेयर करे है ना, तो आपको निकालना पड़ेगा कि 100 शेयर पे क्रेडिट बैलेंस कितना है। शेयर फोरफिटेड का क्रेडिट बैलेंस जो है 150 शेयर पे 1950 है, तो 100 शेयर्स पे कितना होगा वो आप निकाल सकते हो, डेट इज 100 × 1950 / 150 / 150, ऐसा कर करके तुम ये बैलेंस निकाल सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? अब जब तुम ये बैलेंस निकालोगे तो ये बैलेंस तुम्हारा कितना आ जाएगा, इसके लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, कोई बताएगा कितना है? मेरे ख्याल से 1300 आ जाना चाहिए, और नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, चेक कर लेना, जितना आएगा वो लिख लेना, 1300 ही आएगा वैसे। तो तुम्हें ये पता लग गया कि शेयर फोरफीटेड अकाउंट में नो डाउट क्रेडिट बैलेंस 150 शेयर पे 1950 तो है, लेकिन बिकॉज तुमने 100 शेयर जो है वो रीइशू करें, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि शेयर फोरफीटेड अकाउंट में जो बैलेंस है, जितने शेयर आपने रीइशू करें अगर उसके हिसाब से देखें तो बैलेंस कितना होगा। तो 150 शेयर पे 1950 है, 100 शेयर पे बैलेंस 1300 है,
यानी कि 100 शेयर पे शेयर फोरफीटेड अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस जो है वो 1300 है, ये हमने निकाल लिया 100 शेयर पे। अब हमने 100 शेयर रीइशू करे हैं, तो 100 शेयर जो रीइशू करे हैं उसमें शेयर फोरफीटेड अकाउंट में डेबिट बैलेंस कितना है, वो जीरो है, क्योंकि जो मैंने 100 शेयर रीइशू करे हैं उस पर मैंने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब 1300 रुपीज जो है वो मैं कैपिटल रिजर्व में ले जाऊंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा, 1300 आएगा, ये पॉइंट आपको इसमें समझना है। ये सब वर्किंग्स वैसे मैंने करी हुई है, यहां पर मैंने बताया भी हुआ है कि ऑन 150 शेयर्स पे क्रेडिट बैलेंस 1950 है, तो देयरफॉर 100 शेयर्स पे क्रेडिट बैलेंस 1300 होगा, तो 1300 क्रेडिट बैलेंस है 100 शेयर पे और डेबिट बैलेंस जीरो है, तो इसलिए 1300 जो है वो तुम ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में वो क्या कह रहा है, लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है बाबा, ये भी देख लेते हैं। कह रहे मंडे लिमिटेड ने फोरफीट करे हैं 2000 शेयर 10 रुपए वाले। मंडे लिमिटेड ने कह रहा है कि शेयर फोरफीट करे हैं 2000 शेयर 10 रुपए वाले, और पूरा अमाउंट हम बुला चुके थे, पूरे 10 रुपए हम बुला चुके हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹6। कह रहा है उसने, अब ये क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूजन कर सकते हैं, देखो समझना क्या है। वो कह रहा है कंपनी ने 2000 शेयर फोरफीट करे हैं, शेयर की फेस वैल्यू भी 10 रुपए की है, और ये पूरे 10 रुपए कंपनी कॉल भी कर चुकी है, लिखा है फुल्ली कॉल्ड अप, यानी कि कॉल्ड अप अमाउंट भी 10 रुपए का है, कॉल्ड अप अमाउंट भी 10 रुपए का है। अब वो कह रहा है कि हमने ये शेयर इसलिए फोरफीट करे क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी 6 रुपए का पे नहीं करा, यानी कि उसने 6 अनपेड कॉल 6 की है, लेकिन 6 रुपए की जो ये अनपेड कॉल है वो अलॉटमेंट की है, तो 10 रुपए में से उसने 6 रुपए पे नहीं करे, इसका मतलब 4 रुपए उसने पे कर दिए होंगे। इसका मतलब है इस कंपनी ने अब की बार केवल 2 कॉल्स में पैसा बुलाया होगा, एप्लीकेशन मनी पे 4 बुलाए होंगे, अलॉटमेंट पे 6 बुलाए होंगे, क्योंकि शेयर की वैल्यू 10 रुपए की है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि उसने अलॉटमेंट अमाउंट पे नहीं करा है, तो अलॉटमेंट अमाउंट कितना है 6 रुपए का है, तो इसका मतलब उसने 4 रुपए पे नहीं करे, और इसका यह भी मतलब हो गया कि इस कंपनी ने ये जो शेयर 10 रुपए का है इसको केवल 2 इंस्टॉलमेंट में बुलाया होगा। खैर अब ये पॉइंट क्लियर करने के बाद उसने ये भी लिखा है, आगे कह रहा है लेकिन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹6 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹2 एज प्रीमियम। अच्छा अब उसने हमें यह बताया कि जो ये अलॉटमेंट मनी 6 रुपए है, पहले तो इसका मतलब ये हो गया कि शेयर की फेस वैल्यू जो है वो तो 10 रुपए की है, 2 रुपए उसमें प्रीमियम है, तो इसका मतलब इश्यू रेट जो है वो 12 रुपए का है, पहले तो ये भी देखना पड़ेगा इश्यू रेट 12 रुपए का है। ऑफकोर्स हम पूरे 12 रुपए बुला चुके हैं, ये इश्यू प्राइस के 12 रुपए बुला चुके हैं और फेस वैल्यू के 10 रुपए बुला चुके हैं, करेक्ट। अब उसने बोला कि उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा है, जो अलॉटमेंट मनी है उसमें जो फेस वैल्यू है वो तो है 4 और 2 रुपए प्रीमियम की वैल्यू है, तो इसका मतलब उसने जो पे नहीं करा होगा वो 6 रुपए का अमाउंट उसने पे कर दिया होगा। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करें, शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपए की है, करेक्ट। अलॉटमेंट जो है वो कह रहा है उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा है, लेकिन अलॉटमेंट की फेस वैल्यू तो 4 रुपए होगी ना, क्योंकि 2 रुपए उसमें जो है वो प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है, प्रीमियम जो है वो 2 रुपए का है, तो अलॉटमेंट की जो फेस वैल्यू है वो 4 रुपए की है, इसका मतलब जो 10 रुपए की फेस वैल्यू है उसमें से 4 रुपए की फेस वैल्यू अलॉटमेंट पर पे नहीं हुई, तो इसका मतलब कितना अमाउंट उसने पे कर दिया होगा, उसने एप्लीकेशन मनी 6 रुपए डेफिनेटली पे कर दिया होगा, 10 में से 4 रुपए की फेस वैल्यू, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब उसने 6 रुपए पे कर दिए होंगे, पहले तो इसमें ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब एंट्री जब आप करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 शेयर है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है 20,000। नंबर वन, बिकॉज इसने अलॉटमेंट पे नहीं करा है और प्रीमियम अलॉटमेंट पर है, और आपको मालूम है कि जब प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो प्रीमियम को फोरफीचर की एंट्री में लिखना पड़ता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट आप लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अब की बार प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, 2000 × 2 के हिसाब से 4000। मैं कई बार कह चुका हूं अगर आपको बैलेंसिंग फिगर में, जैसे अभी मैं बता रहा था, अगर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है तो आप एटलीस्ट इतना लिखें, पहले 2 अनपेड कॉल्स लिखें,
अब अनपेड कॉल्स जब आप लिखेंगे बिकॉज उसने प्रीमियम पे नहीं करा है, यानी कि तुमने यहां सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है ना, तो इसलिए पूरी वैल्यू 6 रुपए लिखेंगे। मान लो उसने प्रीमियम पे कर दिया होता तो फिर मैं 2000 × 4 करता, क्योंकि जो अलॉटमेंट मनी है उसने पे नहीं कराया 6 रुपए, लेकिन उस 6 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है, तो तुमने प्रीमियम यहां लिखा है तो उसको यहां पर भी लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? 2000 × 6 12000 उसने पे नहीं करे, तो 24 में से 12 नहीं पे करे तो इसका मतलब 12000 पे कर दिए। या ऐसे हम इसको डायरेक्टली भी देख सकते थे 2000 × 6 कर करके, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही समझ लें। अब बाद में उसने लिखा कि हमने 2000 में से 1500 शेयर रीइश्यू करे 9 रुपए के हिसाब से एज फुल्ली पेड, तो 10 रुपए का शेयर 9 रुपए के हिसाब से बाहर जा रहा है, तो 1500 × 9 13500, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 1500, और ऑफ कोर्स शेयर कैपिटल में 15000 आ जाएगा। अब आपने देखा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है वो 1500 शेयर पर है, तो पहले तो आपको वर्किंग में कहीं कंप्यूट करना पड़ेगा कि ये जो बैलेंस है, ऑब्वियसली ये बैलेंस 2000 शेयर पर है ना, कि 2000 शेयर पे जो बैलेंस है वो 12000 का है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्रेडिट बैलेंस जो 2000 शेयर पे 12000 है, 1500 शेयर पे कितना होगा, वो तुम आप ऐसे देख सकते हो, डेट इज 1500 × 12000 / 2000। तो इससे आपको ये पता लग गया कि क्रेडिट बैलेंस आपका 1500 शेयर पे 9000 रुपए का बनता है। तो इसका मतलब जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ये जो 12000 का बैलेंस है ये 2000 शेयर पर है, लेकिन 1500 शेयर पे ये बैलेंस 9000 है। तो 9000 जो है आपका क्रेडिट बैलेंस है 1500 शेयर पे, और डेबिट बैलेंस 1500 है, तो कैपिटल रिजर्व में आप 7500 ले जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा एक क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 31 भी है। एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको ट्राई करने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चन मैंने कराए, और उसके अलावा मैंने करीब इसमें 100 के करीब, आप देख ही रहे हो 100 के करीब मैंने एमसीक्यूज रखे हुए हैं। मैं देख लूं कितने एमसीक्यूज हैं, सबके आंसर दिए हुए हैं, तो एमसीक्यूज भी आप देख लेना, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं कराएगा। तो 100 तो नहीं है, 84 है टोटल, 84 एमसीक्यूज मैंने इसमें रखे हुए हैं, तो ये एमसीक्यूज भी आपने जरूर करने हैं। इज इट क्लियर? इसके साथ ये शेयर कैपिटल तो फिनिश होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल वन पैराग्राफ, आपके बुक में ना एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उस पैराग्राफ को भी मैंने समझाना है, तो वो जाहिर है बिल्कुल वो एक पैराग्राफ से रिलेटेड चीज है, तो वो समझा, वो आपके मैंने बुक्स में या नोट्स में नहीं दिया हुआ है, वो आपको लिखना पड़ेगा, चिंता मत करें। तो छोटा सा ही है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, जिसको हम स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। करेक्ट, 5 मिनट का मुझे टाइम दें, 5 मिनट के रेस्ट के बाद हम उस टॉपिक को भी फिनिश करते हैं, तो ये पूरा हमने फिर फिनिश कर लेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में वैसे बोनस इश्यू एंड राइट्स इश्यू भी आता है, लेकिन वो हम बोनस इश्यू और राइट्स इश्यू हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, इजंट इट और नॉट? ठीक है, या उनको हम सेपरेट चैप्टर के रूप में करते हैं वैसे। तो बड़े इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल को कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली करने के बाद इसमें एक छोटा सा एक पैराग्राफ आपके मॉड्यूल में गिवन है, करेक्ट, और उस पैराग्राफ में कुछ स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में लिखा हुआ है। ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं थोड़ा सा मुझे आपको ये बताना था, तो फटाफट आप मेरे साथ लिखना शुरू कर दें। हार्डली वन पैराग्राफ है मैंने कहा, और इसके लिए मैंने कोई अलग से नोट्स नहीं दिए हुए, मैं यहां पर लिखा रहा हूं, आपको भी लिखना है। हार्डली वन पैराग्राफ है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। कभी कभी कंपनी अपने डायरेक्टर्स को शेयर्स इश्यू करती है, या अपने एम्प्लॉई को शेयर्स इश्यू करती है। डायरेक्टर्स को शेयर इशू करे जाते हैं, या एम्प्लॉयज को ये शेयर्स जनरली इशू करे जाते हैं, करेक्ट। जनरली ये जो शेयर्स इशू करे जाते हैं, वैसे तो हमने यही पढ़ा है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत कि कोई कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, हमने अभी तक यही पढ़ा, इसीलिए आपने देखा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में हमने डिस्काउंट के केसेस लिए ही नहीं, करेक्ट। तो ओरिजिनली शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं करा जा सकता है पब्लिक को, लेकिन कभी कभी कोई कंपनी अपने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज को शेयर इशू करती है एट डिस्काउंट पे इशू करती है। और जनरली ये शेयर क्यों करे जाते हैं डिस्काउंट पे इशू, करेक्ट। पहले तो इसका मतलब है कि स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू करे जा सकते हैं, तो ये बात मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात ये मालूम होनी चाहिए कि ये शेयर डिस्काउंट पे क्यों दिए जाते हैं, कुछ कंसेशन दिया जाता है इनको,
क्योंकि कंपनी इनसे हासिल करती है कुछ ट्रेडमार्क्स हासिल करती है या कुछ टेक्नोलॉजी हासिल करती है या कुछ टेक्निकल नो हाउ हासिल करती है या कोई पेटेंट हासिल करती है एंड सो ऑन। इसलिए हम ये स्वेट इक्विटी शेयर जो है इनको इश्यू करते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर आपने यही लिखा, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर जनरली issued by a company issued by a company to its directors। कंपनी ये शेयर अपने डायरेक्टर्स को इश्यू करती है या एम्प्लॉयज को इश्यू करती है, टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज या फिर एम्प्लॉयज को इश्यू करती है एट डिस्काउंट पे इश्यू करती है। कंपनी इनको शेयर डिस्काउंट पे इश्यू करती है, करेक्ट, और या फिर ये शेयर इश्यू करे जाते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या फिर जब हम ये शेयर्स डायरेक्टर्स वगैरह को या एम्प्लॉयज वगैरह को देते हैं तो बदले में कई बार हमें कैश नहीं मिलता, करेक्ट, बदले में हमें कुछ और चीजें मिल सकती हैं। फॉर और क्यों इश्यू करे जाते हैं ये शेयर डिस्काउंट पे या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा डायरेक्टर्स या एम्प्लॉय हमें प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ का मतलब होता है तकनीक, नो हाउ जो टेक्नोलॉजी जो वर्ड तुम यूज करते हो, नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स वगैरह कुछ भी लिख लो, पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल राइट्स, इंटेलेक्चुअल राइट्स और ट्रेडमार्क्स, तो बदले में हमें इनसे कुछ इस तरीके की चीजें मिलती हैं, इसलिए हम ये शेयर्स जो हैं इनको जनरली डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं, इनको स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। जस्ट समझने के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ बस आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो एक एग्जांपल के सहारे मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी। मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई एंटिटी का मतलब यहां कंपनी से है, एन एंटिटी इश्यूज 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 each at 10% discount to its directors as sweat equity shares। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के रूप में कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को जो है ये शेयर्स इश्यू करे। तो इस केस में आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 into। अब शेयर जो है 1000 into 100 ₹1,00,000 के हैं, लेकिन तुम्हें केवल कितना मिलेगा, 90% मिलेगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट तो तुम इश्यू कर रहे हो, 10% डिस्काउंट तो तुम दे रहे हो, तो ₹90,000 तुम्हें मिलेंगे। फिर तुम लिखोगे डिस्काउंट ऑन स्वेट इक्विटी शेयर्स
डिस्काउंट ऑन स्वेट इक्विटी शेयर्स, डिस्काउंट आपका हो जाएगा 10,000 रुपए का और आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से मान लेते हैं एक और मैंने लिखा है, एन एंटिटी इश्यूज 3,000 शेयर्स, 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट टू इट्स एम्प्लॉइज, टू इट्स एम्प्लॉइज फॉर प्रोवाइडिंग, फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ। तो उन्होंने हमें कुछ टेक्निकल नो हाउ दी, यानी कि तकनीक दी, और हमने उनको कहा ठीक है हम आपको शेयर डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे। तो एंट्री आपकी वही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें कुछ है नहीं। 3,000 × 100, 3,00,000 रुपए के शेयर आपने इश्यू करे हैं, लेकिन तुमने 10% डिस्काउंट पे इश्यू करे हैं, तो इसका मतलब आपको 2,70,000 रुपए मिलेंगे, 2,70,000, 2,70,000। फिर आप लिखेंगे डिस्काउंट ऑन स्वेट इक्विटी शेयर्स, आप सिंपली डिस्काउंट ऑन शेयर्स भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स लिखना जरूरी है, 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये एक छोटा सा पार्ट इसमें बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको भी करा दिया जाए। हालांकि इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर ही बोनस इश्यू भी आता है, राइट्स इश्यू भी आता है, वो सब हम अलग चैप्टर्स के रूप में हमने उनको रखा हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है। तो ठीक है, ये है आपका शेयर कैपिटल में कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पर हमने कराया, नियरली 85 MCQs भी मैंने रखे हुए हैं, तो उनको भी आप देख लेना। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।